सुंदरगढ़ पोस्को कोर्ट को ऐतिहासिक राय अपहरण दुष्कर्म और हत्या मामलें दोषी को फांसी दंडादेश देले स्वतंत्र पोस्को कोर्ट 2016 मसीहा अक्टोबर मासरे सुंदरगढ़ टाउन थाना अंचल जने 4 वर्षीय शिशुकन्या को अपहरण दुष्कर्म और हत्या मामलें सजा सुनाई पोस्को कोर्ट जज महेंद्र कुमार सूत्रधार एही मामलार सुनानी करी अभियुक्त संजीव केरकोटा को फांसी दंडादेश सुनाई पीड़िता परिवार को 10 लाख टंका सहायता राशि प्रदान पाई जिला आईन सेवा प्राधिकरण को निर्देश देछंती। तेबे कौन कहउछंती सरकारी वकील देवाशीष मिश्र ता उपरे नजर पकांतु। एटा एक्चुअली 2016 मसार घटना थिला 21/10/2016 रे घटना हेतला हमर सुंदरगढ़ डेंगी बाडर केस थिला। तो गोटे छुआ को अपहरण करके नहीं सोईवा समय से नहीं रैप करके मर्डर कर तो मर्डर कलापुर चार्जसीट देलापुर आम कोर्ट रे ट्रायल चलला आ ट्रायल आमर ट्रायल समय 35 जन साक्षी साक्ष्य ग्रहण कराला कोर्टे आ साक्ष्य ग्रहण करी आज आम पोक्सो जज महेन्द्र कुमार सूत्रधर तक राय शुणी आ दोषी को फांसी आदेश दे तो एक प्रकार केस रे जेपर जघन्य भाव से निर्मम गोटे छुआ को शिशु को ताऊपर अत्याचार करके हत्या कर आज राय रे मु भावुची आमर जो सोसाइटी रे चली किसी मात्रा रे दमन करने यहाँ प्रचेषा हम। सूचना अनुसार शिशु कन्याटी तार माँ सहित सोइथिबा बेले अभियुक्त अपहरण करिथिला। एक निर्माणाधीन कोठारे दुष्कर्म परे शिशु कन्या को हत्या करिथिला। अपहरणर 3 दिन पर अर्धगलित मृतदेह उद्धार करिथिला टाउन थाना पुलिस। एही घटनार शुणाणी करी सुंदरगढ़ पोस्को कोर्ट अभियुक्त संजीव केरकोटा को फांसी दंडादेश सुनाई छंती। ब्यूरो रिपोर्ट मोबाइल न्यूज 24x7।